अमेठी में 4 दिन से लापता चल रही युवती का शव उसी के गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला। परिजनों का कहना है कि कुएं के समीप खेत में युवती गेहूं की फसल की कटाई करने आई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। शव की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे SSP व CO ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना क्षेत्र चेतराम गाँव का मामला है। देखिए रणविजय सिंह की ये रिपोर्ट SKH न्यूज। नाम है दादा आपका? हाँ जी। दादा ये कौन है जो आज मृतक पाई गई? लड़की है साहब। कैसे क्या हुआ है साहब? गेहूँ का सगा जाग रहा है तो लेबर बहुत रहे हैं, लेकिन बताना हूँ तो ढेर लगा है, चल गया तो यहाँ ट्रैक्टर खड़ा था और माई के हमारे माई गई है तो छुट्टी गए, हम कहा बच्ची 1 घंटा हो गए, दूसरा भैया को हम लगे तो दूसरा को होना दिया था कि तब किया रहती है माँ यही सुझे रही और या भवा की पतवाहे रहे हैं मोहल्ला की दूसरा पड़ जाता तो कहें कि कहा बढ़ो हो बढ़ो हम कहा रखी कहें तो हाँ बेटिया भाग के गए घर गए और यह गाँव से नवल के प्रवाह हो गए, यह गाँव से मोटरसाइकिल घर आई है और ये सुझे तो मोहल्ला की ये कब की घटना है, कब गेहूँ आप मोड़ रहे हैं? आज कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे जो है आपकी लड़की की लाश है? साहब आप ऐसा चला कि भाई काका का लड़का हुआ काटे गेहूँ तो काट के गेहूँ आया तो मुराइन के लाठी नहीं आ रही मौर्या के बुद्ध मौर्या तो उनके आजो बांधे का है वही वही कहे। क्या घटना हुई है आज यहाँ पर आप लोगों के द्वारा और किस प्रकार की जो है जांच की जा रही है? ये चित्रा बुजुर्ग थाना मोहनगंज का मामला है। एक लेडीज है संगीता, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जिस दिन इसकी घटना 3-4 दिन पहले की है, यहीं वो खेत में मड़ाई कर रही थी, उसके बाद से ये गायब थी। आज इसकी डेड बॉडी जहाँ मड़ाई हो रही थी उसी के पास में एक कुआं है वहीं मिली हुई है। पंचायत में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा और जांच करके कार्रवाई की जाएगी।